नमस्कार साधकों, स्वागत है मेरे इस वार्ता में। साधकों, आज का विषय मन की चमत्कारी क्षमताओं के ऊपर है। मैं बता दूं साधकों, इस जगत में मन से बड़ा कोई चीज नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया, उसने मानो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। जो मन को वश में नहीं कर सकता, वो जगत को वश में कैसे करेगा? मन को वश में करने से अनेक चमत्कारी घटनाएं घटित होती है। जीवन में बहुत भारी मात्रा में परिवर्तन आता है। मैं बता दूं साधकों, सूर्य की स्वाभाविक धूप जो हमारे शरीर पर पड़ती है, कठिन गर्मी में भी उसे शरीर सहन कर लेता है। किरणें बिखरी हुई होती है, अतः वे अपना सामान्य ताप ही दे पाती है। किंतु यदि लेंस के द्वारा धूप की किरणें कहीं केंद्रित कर दिया जाए तो यह वस्त्र या कोई कागज वो तुरंत जल उठेगा, तुरंत अग्नि पैदा हो जाएगी। साधकों, सूर्य किरणों की केंद्रीयभूत शक्ति की तरह निग्रहित मन की शक्ति और सामर्थ्य भी अतुलित है। अस्त व्यस्त मनोदशा से जीवन का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं होता। सामान्य श्रेणी के जीवों की तरह ही वह आहार विहार की सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। साधकों, किंतु यदि उसे एक लक्ष्य पर स्थिर हो कर दिया जाए तो उससे साधारण जीवन में भी कई गुणी शक्ति दिखाई देने लगेगी और मन चाही कल्पना पूरी की जा सकेगी। साधकों, साधारण लोगों के मन की कोई निश्चित गति नहीं होती। तालाब के पानी की तरह जिधर से हवा चली उधर से वैसे ही कम ज़्यादा वेग वाली लहरें उठने लगेगी। प्राय लोग अपने से बड़े, पास पड़ोस और उस समाज के व्यक्तियों के आचरणों का ही अनुकरण करते रहते हैं और उतने ही क्षेत्र में विचार उठते रहते हैं। इससे मनुष्य के जीवन में कोई विशेषता नहीं आती। किंतु साधकों, यदि मन को संकल्प पूर्वक किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिया जाता है तो उसमें समुद्री ज्वार भाटे की तरह ऐसी ऐसी शक्ति भर जाती है कि कठिन दिखाई पड़ने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लोग उनकी सफलता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। ये सब उन्हें चमत्कार सा लगता है। साधकों, पर चमत्कार सी दिखाई देने वाली ये सफलता
एकाग्र मन की संग्रहित शक्ति के परिणाम से और कुछ अधिक नहीं होता। मन की तन्मयता में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य आसानी से पूरा कर सकती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, कोई उसको हरा नहीं पाएगा। साधकों, मन में उठने वाले इन विचार तरंगों को स्वेच्छापूर्वक विचरण ना करने देना चाहिए, क्योंकि निरंतर उठते रहने वाले विचार अच्छे बुरे जैसे भी होंगे, वैसे ही तत्व वे सूक्ष्म जगत से आकर्षित करते रहेंगे और ये विचार स्वभाव में परिणित होने लगेंगे। बाहरी रूप से शारीरिक परिवर्तन भले ही दिखाई ना पड़े, पर यदि कुविचारों में ही मन रस लेता रहे तो बुरे स्वभाव की परिपक्व हो जाना संभव है। इस अवस्था में मनुष्य अपना नैतिक पतन तो करता ही है, औरों को भी पथ भ्रष्ट करने का एक सजीव केंद्र सा बन जाता है। इस तरह के विचारों वाले मनुष्य की समीपता से भी आपको कष्ट पहुंचेगा, नुकसान होगा। साधकों, मन शक्ति के इस दूषित पक्ष को देखकर ही उसे स्वेच्छाचारी ना होने देने की सलाह दी गई है। शास्त्रकारों ने निरंतर अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रण में रखने की शिक्षा दी है। उन्हें ये मालूम था कि दृश्य जगत के संपर्क में रहने के कारण मनुष्य की वासना एवं तृष्णा परक आकांक्षाओं का उठना स्वाभाविक है। उन्हें जिधर आकर्षण दिखाई देगा उधर ही दौड़ेगी। साधकों, मन को स्थूल भोगों में ही अधिक सुख मिलता है, अतः उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं तथा विचारनाएं भी वैसी ही अधोगामी होगी। हीन विचारों के कारण मनुष्य के जीवन में चंचलता, अस्थिरता, शुद्रता और निकम्पनता आती है। फलस्वरूप यह जीवन अनेक कष्टों एवं उद्योगों से भरा रहता है। उस उलझन में ना किसी तरह की भौतिक उन्नति हो पाती है, ना आध्यात्मिक लक्ष्य ही पूरा हो पाता है। अनियंत्रित मन प्रयोग रूप में अनेक आकांक्षाएं बनाता बिगाड़ता रहता है। कभी वो असंख्य धन प्राप्त करने की इच्छा करता है, कभी विद्वान होने का सपना देखता है, पहलवान बनने, नेता बनने, प्रतिष्ठा पाने, धनी होने, भोग भोगने की अनेक योजनाएं मन बना लेता है। ये योजनाएं स्थिर नहीं होती है, औरों के जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वह इन लालच भरे सपनों के पीछे दौड़ लगाता है, पर उसकी कोई भी आकांक्षा निर्दिष्ट नहीं होती। हृदय की संवेदनाशीलता के कारण वो प्रत्येक अवस्था में अपने आप को ही ठीक समझता है, पर इन अनेक कामनाओं का वो समन्वय नहीं कर पाता। साधकों, एक ही समय पर कोई वक्ता बनना चाहे और पहलवान बन सके, यह असंभव है। एक बार में एक ही क्रिया को अधिक सुविधा और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। अभी खाना, अभी पानी, अभी घर, अभी दुकान, अभी रेल, अभी मोटर, सब बातें एक साथ नहीं होती। उन्हें क्रमिक रूप से पूरा करने से ही कोई उचित व्यवस्था बन पाती है। उनका क्रम किस प्रकार हो, कौन सी आकांक्षा किस सीमा तक संजोकर रखी जाए, उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो, इन सब पर भली प्रकार विचार करने से ही जीवन दशा को सुनियोजित
रखा जा सकता है। धन्यवाद साधकों।